सभी को मेरा अभिवादन। मैं गीता अरोड़ा, एलडीसी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल, आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। 1947 में देश आजाद हुआ, मगर संविधान हमें मिला 1950 में, यानी पूर्ण स्वराज। हम सदैव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऋणी रहेंगे, जिन्होंने हमें यह सिखाया कि आजाद राष्ट्र में जीना कैसे है। यह संविधान ही है जो भारत के सभी जाति और वर्ग के लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में यह तैयार किया गया। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? वो इसलिए क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में भारत को पूर्व स्वराज की घोषणा करने का फैसला लिया था। कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, मगर ये कहावत अब पुरानी हो चली। अगर हम चाहते हैं दुनिया का सबसे ताकतवर देश अगर भारत बने, तो इसके लिए हमें हर क्षेत्र में आगे आना होगा, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, तकनीकी का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, थिएटर का क्षेत्र हो। हमें हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा और अपनी नव पीढ़ी को भी उसके लिए प्रोत्साहित करना होगा। कोविड का खतरा अभी टला नहीं है, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप जब भी घर से बाहर निकले मास्क का प्रयोग जरूर करें। और एक बार फिर से आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।